हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए, आज से मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि आज हम लोग टेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब टेंस के कई लेक्चर होंगे, आपको सब पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए, इससे पहले विपिन सर, जो हमारे विपिन सर है, वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे, टेंस नहीं पढ़ाते थे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के कई लेक्चर सर लिए हैं। ओके, लेकिन मैंने कहा, सर आप क्लास टेंथ का मैथ तो पढ़ाते ही हैं, ओके आप ऐसा कीजिए सर कि इंग्लिश आप हमें दे दो, हम पढ़ा देंगे, और आप जो है क्लास नाइन्थ का मैथ देख लो। ओके, तो इस प्रकार दो बैच सर आप लोगों के लिए रखे हैं, ठीक है, जिसमें कि क्लास टेंथ और नाइन्थ का जो है मैथ सर देख लेंगे, और मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश देख लूँगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, अब देखिए, टेंस जो होते हैं ना, स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि हम टेंस एक घंटे में सीख जाए, पाँच घंटे में सीख जाए, ऐसा नहीं है। टेंस जो है ना, इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहलाता है, इंग्लिश स्पोकन का बैकबोन कहलाता है। यहीं से आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखते हो, यहीं से आप लोग हर एक सेंटेंस को पकड़ने के लिए सीखते हो कि सेंटेंस आखिर बनाया कैसे जाता है, सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, कौन सा टेंस का है। ओके, तो टेंस जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, और डरना भी नहीं है आपको कि बड़ा टॉपिक है भाई तो हम सीख ही नहीं पाएंगे जिंदगी में कभी, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ना कि टेंस जो है ना, 12 लेक्चर आप देख लो। ओके, उसके बाद आपको टेंस का मास्टरमाइंड आपको मैं बना दूंगा, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ। ओके, तो आइए आज से हम लोग जानते हैं टेंस के बारे में। ओके, अब देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि टेंस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक टेंस को ना फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर एक टेंस को। तो तीन टेंस है, तो प्रत्येक को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार 12 टेंस आपके बनते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे बात करूं प्रेजेंट टेंस का, तो पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया प्रेजेंट टेंस। अब आते हैं पास्ट टेंस पे। देखिए, पास्ट टेंस को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हो। ओके, दूसरा है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसे आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जान सकते हो। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार 12 लेक्चर आपके बनते हैं टेंस के। कितने लेक्चर बनते हैं टेंस के? टोटल लेक्चर देखा जाए तो 12 लेक्चर अगर आप नहीं पढ़ते हो तो टेंस तो आप सीख लोगे, लेकिन आधा अधूरा आप सीखोगे, आपका डाउट रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12 लेक्चर जो मैं टेंस का पढ़ाऊंगा, आप सारा का सारा लेक्चर आप जरूर कवर करना। ओके, सो आइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पे हेडिंग मारिए, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। अब देखिए, बोर्ड पर जो है ना, हमारी हैंड राइटिंग नहीं बैठती है। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। ओके, अब देखिए, टेंस जो है ना, आप पढ़ते कैसे हो? पहला तो आप जब हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट करते हो, हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट करते हो, तब आपको इसकी पहचान की जरूरत होती है। ओके, आप जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो आपको इसका हिंदी में पहचान होना जरूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पहचान यहाँ पे समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं, इसका पहचान क्या है। ओके, तो इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य यानी कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। ओके, तो ये हो गई इसकी पहचान। ओके, अब देखिए, पहचान मैंने क्या कहा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब है ना, वर्ब का होना जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ओके, आप देखिएगा, जैसे वह जाता है,
ओके। सीता खाती है, ओके, सीता खाती है, वह जूता है, वह जूता है। अब देखिए तीनों वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, इस तरह लगा हुआ है, यानी कि इसे हम देखा जाए तो इस पहचान के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन वह जूता है ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। कारण क्या है? कारण मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो यहाँ देखिए इस वाक्य में वह जूता है, इसमें क्रिया कहीं आपको दिख रहा है क्या? क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, है ना। एक्शन वाले वर्ड को, एक्शन वाले वर्ड को, एक्शन वाले काम जिससे एक्शन हो, जिससे मूवमेंट हो, है ना, उसे ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो वह जूता है, तो इसे पता चल रहा है क्या जूता क्या है? जूता एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग है, एक चीज है, ओके। तो ये हमारा वर्ब नहीं है। तो यहां पर देखिए खाना, खाना क्या हुआ आपका? वर्ब हुआ। तो यानी ये वर्ब के अंत में ता है, ती है लगा हुआ है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। जाना, जाना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ, एक वर्ब हुआ, है ना, डूइंग वर्ड, एक्शन का बोध हो रहा है, यानी कि इसमें भी मेन वर्ब है जाना, ओके। यानी कि ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन यह वह जूता है ये हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए हम इसको हम वह जूता है को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ओके। तो ये हो गई आपको बेसिक नॉलेज, आपके लिए मैंने बता दिया है, ओके। कई लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि वह जूता है तो बताइए इसके अंत में ता है लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्यों नहीं है? तो आप कारण बोल दोगे भाई कि इसमें मेन वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य सेंटेंस नहीं है, ओके। तो आइए अब तो ये बात हो गई है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, इस तरह लगा रहेगा, तो ये तो तब काम देगा आपको जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तब, है ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तब ये आपको काम दे देगा। लेकिन आप वॉइस बनाओ, नरेशन बनाओ, ओके, क्वेश्चन टैग बनाओ, और भी कई इंग्लिश चैप्टर है जिसमें कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना होता है, यानी कि हिंदी उसमें लिखा हुआ आपको सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है, तब आप कैसे पहचानोगे, ओके। तब हम लोग पहचानते हैं इसके स्ट्रक्चर के अनुसार, ओके। मैं सभी का सभी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, ओके। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव तो रहेगा ही, उसके साथ निगेटिव भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और पांचवा पढ़ेंगे डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड वाले जितने भी वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस बनेंगे वो पढ़ेंगे। फिर डब्ल्यू एच वर्ड के साथ निगेटिव लगा हुआ रहेगा वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है देखिए, जैसे हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब, हु मतलब कौन, ओके, और वेन मतलब, डब्ल्यू एच एन वेन मतलब कब, ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ड में आते हैं। कौन से वर्ड में आते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस में आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस में के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है, ओके। तो इस टाइप का आपके जो है सेंटेंस मिलेंगे, जैसे मैं वह कब सोता है ना, सीता कब पढ़ती है, इस प्रकार रहेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग मारिए, पहला कौन सा सेंटेंस हम देखने वाले हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर, अफर्मेटिव, देखिए मेरी हैंड राइटिंग नहीं बैठती है, ठीक है, तो आप इसलिए मैं यहां पे बोल दे रहा हूं, ठीक है। ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है, सकारात्मक वाक्य, ओके। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप समझिएगा, यानी कि इसका संरचना क्या होगा वाक्य को बनाने का, ठीक है। पहले इसमें होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को यहाँ पे हम सिर्फ एस से डिनोट कर रहे हैं, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, एस यू वी जे ई सी टी, सब्जेक्ट आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, पांचवा फॉर्म लगेगा, ओके। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओके, और फिर प्लस लास्ट में आप अदर वर्ड बोल सकते हो,
अदर वर्ड बोल सकते हो, या फिर इसको आप आरपी बोल सकते हो, यानी कि रिमेनिंग पार्ट, यानी बचा हुआ पार्ट, इसके बाद बचा हुआ पार्ट लिखाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट देखिए, आर ई एम ए आई एन आई एन जी, रिमेनिंग पार्ट यानी बचा हुआ भाग ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं वह सुबह में पढ़ता है ना, वह सुबह में पढ़ता है, ही रीड्स बुक इन, वह सुबह में किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक इन द मॉर्निंग, ओके इन द मॉर्निंग। तो यहां देखिए, ये ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड पढ़ना क्या हो गया वर्ब हो गया आपका, फिर ये बुक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ओके और ऑब्जेक्ट के बाद इन द मॉर्निंग, ये सारा का सारा हो गया आरपी बोल सकते हो, रिपोर्टिंग पार्ट बोल सकते हो, या फिर आप इसे अदर वर्ड बोल सकते हो, अदर वर्ड, ओके यानी कि इसके अलावा, गॉट इट, यहां तक आप समझ गए, ओके। आइए अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जांपल लेकर के हम यहां पे समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं आरपी लिख देते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग पार्ट, ओके आरपी यानी कि रिपोर्टिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ओके। या फिर आप अदर वर्ड भी बोल सकते हो, इसके बाद अदर वर्ड, ओके। फिर प्लस लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, मैंने यहां पे फुल स्टॉप इंक्लूड किया है। देखिए अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, फुल स्टॉप देना भूल जाते हैं। जैसे बनाया हुआ राम जाता है, राम गोज, अब फुल स्टॉप वो नहीं दिया, तो फुल स्टॉप नहीं दिया, ये सेंटेंस तो सही है लेकिन फिर भी ये गलत आपको कर देगा अगर आपने फुल स्टॉप नहीं दिया, ठीक है। इसीलिए फुल स्टॉप आपको देना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप इंक्लूड किया है, आपको समझाया कि फुल स्टॉप देना आप ना भूलो, ठीक है। हिंदी में भी देना है, हिंदी में फुल स्टॉप इस तरह होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप इस तरह होता है, ओके। तो आपको फुल स्टॉप पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि V1 और V5 क्या होता है, ओके। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब तो हम तीन ही प्रकार के पढ़े, कि तीन फॉर्म में बटा हुआ होता है, जैसे ईट एट इटेन, रीड है ना, इस तरह होता है, ओके ओके। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ फॉर्म में कैसे बटता है, यहाँ पे समझिएगा, ओके। जैसे मैं ईट मतलब खाना होता है ना, ईट हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इट एट ए टी ई एट, एट क्या है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इटेन ई ए टी ई एन इटेन क्या है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके। अब फर्स्ट फॉर्म में, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आई एन जी जोड़ दें, इस फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ब का चौथा रूप हमारा बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं ये देखिए इट है ना, इट में आई एन जी जोड़ देंगे तो ई ए टी इट हो गया, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, इटिंग हो गया, तो ये हमारा हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है, फिफ्थ फॉर्म में क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस आपको ऐड कर लेना है, एस या ई एस आप ऐड करोगे तो आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं देखूं यहाँ क्या है, इट ई ए टी इट, इसमें हम लोग एस जोड़ देंगे तो ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे हम एस कब जोड़ेंगे और ई एस कब जोड़ेंगे वो हम एक और एग्जांपल लेके यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। यदि आपका वर्ड, जैसे हम गो लेते हैं, गो मतलब क्या होता है जाना, ये भी क्या हो गया हमारा एक चिड़िया हुआ, एक वर्ब हुआ, ठीक है। तो गो का जो ये गो जो है हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ओके। अच्छा गो बेंट, गो बेंट, बेंट क्या है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो बेंट गोन, गोन क्या है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके ओके। अब देखिए फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देते हैं तो गोइंग हो जाएगा, तो जी ओ आई एन जी गोइंग, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन चुका है, ओके ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं तभी तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, ओके। ई एस जोड़ने से ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब ई एस कब जोड़ना है ये आप याद रखो, ई एस कब जोड़ना है, जब आपका अंतिम लेटर जिस वर्ब का, जिस वर्ड का अंतिम लेटर ओ रहे तो उसमें ई एस जोड़ने से वो क्या होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, अगर ओ नहीं रहता तो सिर्फ एस जोड़ते तो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वो बन जाता है, ओके। जैसे मैं और भी एग्जांपल ले लेते हैं, वॉक, वॉक मतलब टहलना होता है, तो इसमें देखिए सिर्फ एस जोड़ेंगे, डब्ल्यू ए एल के एस, वॉक्स, तो ये हमारा हो गया वॉक्स हो गया, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ओके। अब देखिए इसे लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं बाल्क, बाल्क नहीं होता है, यहाँ पे एल जो है ना साइलेंट होता है, तो हम इसे वॉक बोलेंगे, क्या बोलेंगे वॉक,
ही वॉक्स, है ना, ही वॉक्स। ओके, तो इस प्रकार यहां पे मैंने आपको समझा लिया कि भर का फिफ्थ फॉर्म किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो आइए, अगर आप, आपने भर्ब का जो है, अगर आपको वीडियो देखना है ना इस भर्ब को जो है कैसे पढ़ा जाता है, तो आप, मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, ठीक है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अब वहां पे जाकर के अच्छे से आप उसे रीड कर लेना, ओके, समझ लेना आप। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में आपने समझ लिया भर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे कहाँ तक बनता है। ठीक है, चलिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई। ओके, आइए अब हम लोग समझते हैं कि कब हम लोग भर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कब हम लोग भर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे लिखिए भर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग, वी फाइव का प्रयोग, तो लिखिए यहां पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, लिखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, अब यहां पर हम आपको समझाएंगे कि फर्स्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है। ओके, तो अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप जब नरेशन बनाओगे तो नरेशन में बहुत ही काम देगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो पर्सन, ओके, पर्सन यहां पर लिखो पी ई आर एस ओ एन, पर्सन। ओके, चलिए, ये पर्सन हो गया, तो पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन होता है, एफ आई आर एस टी फर्स्ट, पी ई आर एस ओ एन फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन, टी एच आई आर डी थर्ड, पी ई आर एस ओ एन थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, और फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर, ओके, अब यहां पे इसे आप समझिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है आई और वी, ये कब आपको काम देगा, नरेशन जब बनाओगे ना बहुत काम देगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है यू, और सेकंड पर्सन के प्लुरल नंबर में भी होता है यू। ओके, अब देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है आपका ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन, यानी कि एक 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 जाति का बोध होना चाहिए, उसे ही बोलेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है, जैसे मैं आप कह सकते हो द बॉय, ओके, द गर्ल, अब यहां देखिए ये बॉय क्या है, नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है। ओके, यानी कि एक लड़के की बात हो रहा है, एक लड़की की बात हो रहा है, इस तरह ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन में आता है। ठीक है, द बॉय, द गर्ल, ये सब सिंगुलर नाउन में आता है। ओके, अब देखिए थर्ड पर्सन प्लुरल नाउन में क्या क्या आता है, ये आपको आता है दे, टी एच ई वाई दे, फिर आपको आता है द बॉयज, बी ओ वाई एस, बहुत सारे लड़का हो गया यानी प्लुरल हो गया। इसी प्रकार द गर्ल्स, द हॉर्सेस, इसी प्रकार यानी कि एक से अधिक नाउन तब उसे हम लोग थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात जब भी होगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ही, शी, इट, या कोई, सिंगुलर नाउन, ओके, ये आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। ठीक है, यानी कि आप सीधा सीधे से यहां पे आप लिख लो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, इतना लिख लो फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई कॉमा बी, आई और बी आता है, ये नरेशन में काम देगा आपको। ठीक है, सेकंड पर्सन में लिख लो आप यू, ठीक है, थर्ड पर्सन में लिख लो, ये आपका आता है दे, या फिर प्लुरल नाउन, ठीक है, जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, ओके, इस प्रकार प्लुरल नाउन आ गया। ठीक है, तो ये आप नोट पॉइंट में ये लिख लो। ओके,
और यहाँ पे मैंने चार्ट बना ही दिया है ओके, और ये लिख लो ठीक है, ये काम देगा आपको, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्लास को मैं बहुत ही जो है आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर बारी में मैं आपको बताते चलूँ आपको आपके दिमाग से निकल जाए ठीक है, तो ऐसा भी मैं पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा ठीक है। तो आपको मैं अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हर एक बात मेरा आपके माइंड में जाके छप जाए ठीक है ओके। चलिए अगर मैं आपको बोलूँ कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, तो अब क्या बोलोगे, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन ठीक है। चलिए अब आप लोग समझ गए ना कि वी फाइव का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम भर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और इसके अलावा ही सी इट या सिंगुलर नाउन के अलावा कोई और सब्जेक्ट रहेगा तो भर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे ठीक है। जैसे यहां पे फॉर एग्जाम्पल यहां पर समझिएगा, एग्जाम्पल जैसे मैं वह जाता है, वह जाता है ओके। अब यहां पर देखिए वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया ओके। तो वह का क्या होता है, ही भी होता है और शी भी होता है। तो यहां पे वह देखा जाए तो वह जाता है, इससे पता चल रहा है कि ये मेल है, अगर रहता वह जाती है तो वह फीमेल रहती ठीक है। तो यहां पर हम ही का प्रयोग करेंगे, शी का प्रयोग नहीं करेंगे ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ही, वो जाना कि क्या होता है, वो देखिए इस स्ट्रक्चर पर काम कीजिए आप, देखिए सब्जेक्ट पहले हो गया फिर भर्व, तो भर्व क्या है हमारा जाना, जाना कि क्या होता है वो। अब यहां पे हमको तय करना है कि फर्स्ट फॉर्म रखे भर्व का, फर्स्ट फॉर्म में रखे या भर्व का फिफ्थ फॉर्म रखे। तो हम यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा ही है, और हम लोग जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट अगर ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो हम एस या ईस का प्रयोग करेंगे भर्व के साथ ओके। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एस या ईस, तो ईस लगाएंगे। मैंने आपको अभी बताया है कि ईस का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा भर्व का अंतिम लेटर ओ रहेगा तब ठीक है। तो अंतिम लेटर इसका ओ है तो ईस लगा देंगे, तो ये भर्व का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना ही अदर वर्ड दिया हुआ है ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क सॉरी फुल स्टॉप आपको लगा देना है ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस ओके। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं राम खेलता है ओके। अब देखिएगा तो राम खेलना क्या होता है, प्ले। अब यहां देखिए अभी सही नहीं है, अब मैं आपको समझाऊंगा ठीक है। जैसे देखिए पहले क्या बोल रहा है आपको, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। उसके बाद भर्ब बोल रहा है लेने के लिए, तो भर्ब यहाँ पे अब प्ले मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे भर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले या भर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो राम है, तो राम बताइए, इससे पता चल रहा है कि एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, राम एक ही आदमी का नाम बात हो रहा है ना, राम एक ही आदमी का नाम, एक ही आदमी का यहाँ पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन हो गया ना, ये राम जो है सिंगुलर नाउन हुआ कि नहीं हुआ ना जी। तो यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम भर्ब के साथ एस या इसका प्रयोग करते हैं, मैंने कहा था ना। तो इसके साथ एस का प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अंतिम लेटर बाई है, ओ रहता तब हम ईएस लगाते, तो इसमें सिर्फ एस लगा देंगे तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा ठीक है। फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, बन जाएगा ठीक है। चलिए ओके, फिफ्थ फॉर्म बन गया ओके। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल लेके यहां पे समझते हैं, तीन एग्जांपल हो गया, सॉरी दो हुआ, तीन ले, तीसरा लेते हैं मोहन और सोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन और सोहन क्रिकेट, देखिए मेरी राइटिंग नहीं बैठती है ठीक है, उसके लिए सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूं, क्रिकेट खेलता है ओके। तो यहां देखिए मोहन और सोहन ये दोनों जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, एक स्ट्रक्चर हमारा बोलता है पहले सब्जेक्ट लो, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन और सोहन। तो यहां पर लिखेंगे मोहन एंड सोहन ओके। अब देखिए नाम है ना, नाम सेंटेंस के कहीं भी लिखा है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखाता है ओके। नाम अगर जो रहे तो कैपिटल लेटर से ही लिखना, ऐसा मत करना कि इस सोहन को स्मॉल एस से स्टार्ट कर देना लिखना, तो ये आपका सही होते हुए भी आपका गलत हो जाएगा ठीक है। तो इसको कैपिटल से ही स्टार्ट करना है ये लेटर को ठीक है, नाम कहीं भी लिखा है स्मॉल कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है ठीक है। तो मोहन एंड सोहन ओके। इसके बाद भर्ब बोल रहा लगाने के लिए, यहाँ पे भर्ब क्या है, खेलना क्या होता है, प्ले होता है, तो यहाँ पे हम लगा दिए प्ले लगा दिए ठीक है।
अब यहाँ पे हमको तय करना है कि यहाँ पे हम भर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखे या फिर भर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखे, ठीक है, ये हमको सोचना है ना जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन और सोहन है, इसका मतलब क्या है, ये प्लुरल नाउन हो गया, एक से अधिक नाउन है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लुरल हो गया, बहुवचन हो गया बहुवचन हो गया। तो हम भर्ब के साथ कौन सा यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ना, ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहता तब तो हम भर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो भर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, ठीक है, तो भर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्ले ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, क्रिकेट, क्रिकेट। तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया, राम एंड सोहन प्ले क्रिकेट, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस का तीन एग्जांपल मैंने यहां पे देखा है, ओके। और भी एग्जांपल यहां पे हम समझते हैं, जैसे मैं आप विद्यालय जाते हो, आप विद्यालय जाते हो, ओके। स्ट्रक्चर बोल रहा है पहले सब्जेक्ट लेना है आपको, सब्जेक्ट यहां पर हम देख रहे हैं यू है, क्या है सब्जेक्ट, यू है। उसके बाद बोल रहा है भर्ब लेने के लिए, तो भर्ब क्या है आपका, जाना, जाना क्या होता है भाई, प्ले, सॉरी, जाना का गो होता है, क्या होता है, गो। अब यहां पर हम सोचना है कि भर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखे या फिर भर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखे, तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ही सी इट या कोई एक सिंगुलर नाउन रहे तो उसके साथ हम लोग एस या इस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हमारा यू है जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं आता है, तो हमें इसमें एस या इस नहीं लगाएंगे, इसे हम लोग भर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, ठीक है। तो भर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वो ही होता है, ठीक है, तो यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार ये भी हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है, ओके। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, ओके, बनाइए इसे बनाइए आप, हम लोग का क्या होता है, वी, तो सब्जेक्ट पहले लेना है, तो सब्जेक्ट हमारा वी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, भर्ब लेने के लिए, भर्ब जाना, जाना क्या होता है, गो, इसे हम लोग अब यहाँ पे भर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखे या फिर भर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा वी है, अगर ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन रहता तो हम एस या इस का प्रयोग करते हैं, ओके, तो इसमें तो नहीं करेंगे ना, तो इसमें ऐसे ही रहने देते, भर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसके में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, याद रखना, ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो है आप लोग एस या इस का प्रयोग करना, अन्यथा भर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना, ये आपका हो गया भर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, ओके, ये आपको करना है जब आपका क्या हो, सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहे तब, तो यहाँ पे आपका वी है तो ये इसमें तो नहीं आ रहा ना, तो ऐसे ही रहने, तो इसे भर्ब का फिफ्थ फॉर्म में नहीं बदलना है, अगर इसे हम फिफ्थ फॉर्म में बदलते तो ई एस लगा देते हैं, ओके, तो इसे हम फिफ्थ फॉर्म में नहीं बदलेंगे, तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट और फुल स्टॉप, ओके। चलिए और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ओके। अब देखिए वीडियो लंबा हो रहा है ना, घबराने वाली बात नहीं है, आपको समझना है ना, आपको टेंस अच्छे से सीखना है ना, तो आप बिल्कुल ही आप बेफिक्र होकर पढ़ो, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं उसे जानता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह मुझे पीटता है, वह मुझे पीटता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो मैं उसे, ये जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, उसे का ही होता है, मैं का आई होता है, वह का ही होता है, मुझे का आई होता है, आप लोग जानते होंगे, ओके। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, ओके, तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट रखना है ना, आपको ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि आई ही, नो, ऐसा नहीं करोगे ना, यानी कि इसमें जो पहला, जो आपका पहला जो सब्जेक्ट है, इसे आपको सब्जेक्ट के रूप में रखना है, और ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, किसके रूप में चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, ओके, क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस प्रकार इसमें वह जो है ना, ये पहला जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के ही रूप में रहेगा, लेकिन ये जो सेकंड वाला है ना, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ और ये आपको वॉइस में भी काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस,
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। पहले मैं इसे बना देता हूं, ठीक है, पहले मैं इसे बना देता हूं, उसको मैं लिखा दूंगा, ठीक है। वह मुझे पीटता है, पीटता है, ओके। पहले मैं इसे बना देता हूं, ठीक है। तो देखिए, मैं उसे जानता हूं, मैं का क्या होता है आई, जानना कि क्या होता है नो, के एन ओ डब्ल्यू नो। देखिए हमारा यही ना स्ट्रक्चर बोल रहा है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, जानना का नो होता है, ओके। और आई के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आई नो, उसी का क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हीम हो जाएगा। अभी मैं लिखाऊंगा टोटल, ठीक है, तो हीम हो गया, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए सेकंड वाला को देखते हैं, वह का ही होता है, ओके। उसके बाद वर्ब लेना है, वर्ब क्या है, पीटना। पीटना क्या होता है, बिट, बीईएटी, बिट, बिट मतलब पीटना, बिट हो गया। अब इसके साथ एस या एस का यूज करें कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, और ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एस लगा देंगे तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ही बिट्स मुझे का आई होता है, तो आई का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मी हो जाता है, तो फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आई, आई अगर रहेगा आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में अगर आपका आई रहे तो ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये आई का मी हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू रहे और ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यू का यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट वी रहे तो वी का अस हो जाता है, यू एस अस, ओके। अगर सब्जेक्ट आपका दे रहे तो दे का देम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, टी एच ई एम, देम, ओके। अगर आपका सब्जेक्ट सी रहे तो ये आपका हर हो जाता है, एच ई आर, हर। अगर आपका सब्जेक्ट ही रहे तो ये आपका हो जाता है हीम, ऑब्जेक्ट रूप में क्या हो जाता है, हीम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मी का आई हो जाता है, यू का यू हो जाएगा, अस का बी हो जाता है। इस प्रकार एक दूसरे से ये इंटरचेंज होगा, चेंज होगा एक दूसरे से, ठीक है। इस प्रकार ये एक दूसरे से इंटरचेंज होगा, ठीक है। अगर आपका इट रहे तो इट का इट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई नाम रहे, जैसे मान लो मोहन है, राम है, मोहन है, कुछ भी नाम रहेगा तो राम का राम ही रहेगा, मोहन का मोहन ही रहेगा, कोई भी नाम रहेगा, ठीक है। तो नाम चेंज नहीं होगा, नेम का नेम ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं इसे यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो इस प्रकार मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। दूसरा कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव। चलिए हेडिंग मारिए निगेटिव सेंटेंस। चलिए दूसरा सेंटेंस हमारा है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई वी, निगेटिव सेंटेंस, एस सी एन टी ई एन सी, सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर एस टी आर यू सी टी यू आर, स्ट्रक्चर मतलब संरचना क्या होगा हमारा सेंटेंस का, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस डू या डज लगेगा, ओके। मैं आपको बताऊंगा डू का प्रयोग कहाँ करना है और डज का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। डू या डज, फिर प्लस आपका लगेगा नोट, फिर लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। इससे पहले जो अफर्मेटिव में मैंने पढ़ा था उसमें मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज करते थे ना, इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि ये जो है ना आपका ये जो आपका इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, यही आपका आपका जो है एस या इसका प्रयोग यही ले लेता है, ठीक है। यही सब्जेक्ट के अनुसार आपका एस या एस ले लेता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भर का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस वी वन, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड या आर पी बोल सकते हो, रिमेनिंग पार्ट, और फिर प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ओके यहाँ पे प्लस प्लस दो बार हो गया, ठीक है। सॉरी ये नोट है यार, नोट है, ओके। तो इस प्रकार ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। मारिए हेडिंग, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग। तो यहाँ पर लिखो थर्ड पर्सन के, यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे, थर्ड
पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे, सिंगुलर नंबर रहे तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सभी के साथ, इसके अलावा सभी के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है हमारा, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या सिंगुलर नाउन, या कोई सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। यानी इन सभी के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और इसके अलावा सभी के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, इसे आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या क्या आता है मैं टेबल बनाकर मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह विद्यालय नहीं जाती है, नहीं जाती है, ओके। राइटिंग ही नहीं बैठता है यार बोर्ड पर, बहुत कोशिश करता हूँ नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वह विद्यालय नहीं जाती है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वह, ये एक फीमेल है, क्या है, फीमेल है। यानी कि इसके साथ हम लोग ही का यूज नहीं करेंगे, सी का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बोल रहा सब्जेक्ट का यूज करने के लिए, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, वह का यहाँ क्या यूज करेंगे, सी, सी। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि हम इसके साथ डू लगाएं या फिर डज लगाएं। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और ये हमारा सी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो ही सी डज, सी डज। उसके बाद बोल रहा है नोट लगाने के लिए, तो नोट लगा दीजिए, ठीक है। फिर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, नोट। उसके बाद भाग का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। और इससे पहले अफर्मेटिव में क्या होता था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लग सकता है या फिफ्थ फॉर्म भी लग सकता है, ठीक है, लग सकता था, इस तरह होता था ना। लेकिन इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। वो कारण ये है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इस नोट के कारण ये हमारा जो है, ये जो डू या डज है ये ले लेता है, ये जगह ले लेता है, ओके। इसीलिए यहाँ पे भर का फिफ्थ फॉर्म नहीं आया, ओके, ये जगह ले लेता है, ओके। इसीलिए यहाँ पे भर का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ओके, हमेशा निगेटिव में, ओके। सिर्फ जो ये जो होता है अफर्मेटिव में होता है, भर का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आपको चूज करना होता है, ओके। इसके अलावा जितने भी सेंटेंस हैं, सभी के सभी सेंटेंस में हमेशा भर का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि ये जो डू या डज है यही इसका जगह ले लेता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा सी डज नॉट। अब देखिए जाना के क्या होता है, उसका बोल रहा है वर्ब लगाने के लिए गो, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं उसे नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं। तीसरा लेते हैं, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, ठीक है। आइए सेम करते हैं, मैं उसे नहीं जानता हूं। पहले क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लेने के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। अब बताइए आई क्या हमारा थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है, नहीं ना। इसके साथ डू का यूज करें या फिर डज का यूज करें, तो डू का यूज करेंगे, तो आई डू। उसका नोट, तो नोट लगा लिया, आई डू नोट। उसका आपका भर का भर देखना है, भर क्या है हमारा, जाना, सॉरी जानता, जानना का क्या होता है, जानना का नो होता है, तो आई डू नॉट नो, नो। अब यहाँ पे उसे, उसे का ही होता है, तो ही का मैंने अभी बताया ऑब्जेक्ट जाता है तो हिम हो जाता है, तो आई डू नॉट हिम, आई डू नॉट हिम, ओके ओके। ये आपका कंप्लीट हो गया, फिर फुल स्टॉप आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है। अगर यहाँ पर आता वह मुझे नहीं पढ़ाती है तब सी लगता, लेकिन वह मुझे नहीं पढ़ाता है इसका मतलब ये मेल है, तो यहाँ पे ही लगेगा, ठीक है, तो ही, ओके। उसके बाद डू या डज, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ही डज। उसके बाद बोल रहा है नोट लगाने के लिए, तो नोट लगा दिया,
ठीक है। फिर स्ट्रक्चर में यहाँ पे आते तो वर्ब लगाने के लिए बोल रहा है, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच होता है। तो ही डज नॉट टीच, टी ई ए सी एच टीच, मुझे का आई होता है तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आई ही डज नॉट टीच मी, ये आपका हो गया आपका कंप्लीट निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मारिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस कौन सा है, आई एन टी ई डबल आर ओ, इंट्रो जी ए टी आई वी ई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है डू लगाओ पहले या डज लगाओ, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, ओके, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा या फिर रिमेनिंग पार्ट आएगा, यानी आरपी बोल सकते हो, ओके, फिर प्लस फुल स्टॉप, ओके, सॉरी इसमें फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्य, ओके। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं, ओके। अब डू या डज का प्रयोग आप तो समझ चुके हो कि ही सी इट या कोई सिमिलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, ओके। यानी कि डू या डज का प्रयोग कौन तय करेगा, ये सब्जेक्ट तय करेगा, हमेशा सब्जेक्ट ही तो तय करता है, तो इसमें भी सब्जेक्ट ही तय करेगा, तो यही आपका सब्जेक्ट तय करेगा कि डू लगाओ कि डज लगाओ, यही आपको बताएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पास आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख के यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे में क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, ओके। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके, पहचान का आपको सबको समझ में आ गया होगा अभी तक में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, वह का क्या होता है, ही होता है, शी होता है, तो इसमें तो ही होता है ना, क्योंकि पढ़ता है, अगर रहता वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है, तो सी रहता, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है ही है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, ओके। तो ही के पहले डू या डज में से क्या लगेगा, तो डज का प्रयोग होगा, तो यहां पर लिखेंगे पहले डज, डज ही पढ़ना क्या होता है, रीड, आर ई ए डी, रीड, तो डज ही रीड, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं उसे जानता हूं, क्या मैं उसे जानता हूं, क्वेश्चन मार्क। तो पहले बोल रहा है डू या डज लगाने के लिए, तो हम आप देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं आता है ना, तो इसके साथ डू का यूज करते हैं, ठीक है। तो डू आई, उसके बाद वर्ब जानना क्या होता है, नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, उसके बाद आई का, मैं का आई होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मी हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा इस प्रकार डू आई नो मी, क्या मैं उसे जानता हूं, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो अब यहां देखो, पहले स्ट्रक्चर बोल रहा है डू या डज का प्रयोग पहले करो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा मोहन है, और मोहन है कोई एक लड़का के बात हो रहा है, एक लड़का का बोध हो रहा है, यानी कि ये हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना जी, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, ठीक है। ये पहले हो जाएगा डज, फिर सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन, मोहन कैपिटल में लिखाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ठीक है। तो डज मोहन, डज मोहन, उस पर वर्ब लेना है आपको, स्ट्रक्चर में देखो वर्ब लेना है, खेलना क्या होता है, प्ले, डज मोहन प्ले, ओके, क्रिकेट, डज मोहन प्ले क्रिकेट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेंगे और इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यहां हम समझते हैं। जैसे मैं, क्या राम और श्याम बाजार जाता है, क्या राम और श्याम बाजार जाता है, बताओ, कौन बताओगे, बताइए, स्ट्रक्चर पे आइए, स्ट्रक्चर बोल रहा है पहले डू या डज का प्रयोग करो, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं राम
और श्याम, ये दोनों क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर नाउन है, एक नाम है, एक से अधिक नाम है तो प्लुरल नाउन हो गया जी। तो इसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे, अगर कोई एक नाम रहता तो हम डस का यूज करते, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे डू का यूज करेंगे, ठीक है। तो डू राम एंड श्याम, डू राम एंड श्याम, उसका आपको क्या यूज करना है भर्ब, जाना, जाना क्या होता है गो, गो टू मार्केट, बाजार जा रहा है ना, तो गो टू मार्केट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ओके। अब देखिए आपको, जब वॉइस बनाओगे, नरेशन बनाओगे, तो क्वेश्चन टैग बनाओगे, तो इस तरफ नहीं दिया रहेगा ना, हिंदी में नहीं दिया रहेगा, तो आपको इसी स्ट्रक्चर आपको आपको पकड़ना है कि वो कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है। जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिया रहेगा तो आप पकड़ लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप स्ट्रक्चर पे आओगे, पहले डू या डज लग रहा है, फिर सब्जेक्ट लग रहा है, नोट नहीं है भाई, तो ये इंट्रोगेटिव है। अगर इसके साथ नोट भी रहेगा लगा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, जो कि अगला आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर मारो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, चौथा मारो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस चौथा हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। चलिए जैसे मैं इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज, इसमें भी पहले लगेगा डू या डज लगाओ, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट देखो क्या है आपका डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर इस सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लग जाता है, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या होता है मैं एक एग्जांपल एक समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए फिर प्लस लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, अगर नहीं रहता यहाँ पे नहीं रहता दिया हुआ, नहीं दिया हुआ नहीं रहता, ये छुप यहाँ पे मान लो ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो क्या वह पढ़ता है, इसके साथ नहीं नहीं दे दिया तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव लग गया, ठीक है, इसीलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो क्या वह नहीं पढ़ता है, तो स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बोलता है डू या डज का यूज करो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है पढ़ता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ डज का यूज करेंगे तो डज हो जाएगा डज। अब हमारा ये देख रहे हैं कि वह पढ़ता है, यानी कि ये मेल है, कोई लड़का है, ठीक है, तो ही का यूज करेंगे तो डज ही, उसका बोल रहा है नोट लगाने के लिए तो नोट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद भर का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा पढ़ना का, क्या हो जाएगा पढ़ना का रीड होता है तो रीड भी हो जाएगा, ठीक है, तो रीड हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या मैं उसे नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ बताओ, पहले डू या डज बोलना लगाने के लिए पहले इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा, तो हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा माई आई है, तो आई हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो आई है ना, तो आई के साथ डू का यूज करेंगे, ठीक है, तो डू आई, उसका क्या यूज करना है नोट यूज करना है, स्ट्रक्चर पे देखो आप, उसका वर्ब यूज करना है, तो वर्ब जानना का क्या होता है नो, तो फर्स्ट फॉर्म ही रखना है वर्ब का, ठीक है, तो आई डू आई नोट नो उसे का ही होता है, तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हीम हो जाएगा, ठीक है, तो हो गया आपका हीम। अब फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है राम, राम इसे पता चला है कोई सिंगुलर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे डज या डू यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ये आ रहा है, ठीक है, तो डज यूज करेंगे, तो डज राम, उसके बाद नोट, ओके, फिर भारत का फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले होता है खेलना का, प्ले क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। इस प्रकार ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया है, ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं, जैसे मैं
क्या मोहन और सोहन सोहन किताब नहीं पढ़ता है? किताब नहीं पढ़ता है, बताइए। तो हमारा स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर बोल रहा है पहले डू या डज का यूज करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ मोहन और सोहन है, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है? ये प्लुरल है ना जी। तो प्लुरल के साथ हम लोग क्या कर यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डू मोहन एंड सोहन, उसके नोट देखिए स्ट्रक्चर दीजिए, देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, नोट उसका भर का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का रीड होता है, तो रीड, तो डू मोहन एंड सोहन नोट रीड अ बुक, अ बुक। अब यहाँ देखिए ए क्यों लगा, यहाँ तो ए नहीं, इसमें तो ये नहीं बोला कि क्या मोहन और सोहन एक किताब नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे ए क्यों लगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आर्टिकल जो मैं आपको पता पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये देखिए जब आपका जो है कॉमन नाउन सिंगुलर दिया हुआ हो, अगर यहीं पे बुक्स रहता ना, क्या मोहन और सोहन किताबें नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे ए नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे ए इसलिए आया क्योंकि ये हमारा जो बुक है ना सिंगुलर कॉमन नाउन है, बुक क्या है कॉमन नाउन तो है ही और ये सिंगुलर भी है, अगर एस लग जाता बुक्स रहता तो यहाँ पे ए नहीं लगता, ठीक है। ओके, जैसे मैं आप एक, एक, एक यहाँ पे एक आप सेंटेंस देखे होंगे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आप आर्टिकल में अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अब इसमें ए क्यों आया सेंटेंस में, तो ये नहीं बोल रहा है कि राम एक आम खाता है, तो ए इसलिए आया क्योंकि मैंगो हमारा क्या है कॉमन नाउन और ये सिंगुलर है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार तो यहाँ पे ए ही लगेगा, अब चाहो तो द भी लगा सकते हो, द भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। ए ए ए एन और द आर्टिकल जब पढ़ोगे ना, ए और एन आपका इनडिफिनिट आर्टिकल होता है और द होता है डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि यहाँ पे बात नहीं राम आम खाता है, यानी राम जो है कोई आम है जो कि खा रहा है, आम आम से क्या मतलब है हम, ओके, तो आम कोई भी होगा जो कि खा रहा है, अगर खास आम के बारे में बोलेंगे कि राम वो वाला आम खा रहा है तो यहाँ पे दा लगाएंगे, ठीक है, दा लगाएंगे, अगर हम इसमें दा लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, इसमें भी हम दा लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डू मोहन एंड सोहन नोट रीड द बुक, यानी कि हम उस बुक के बारे में जानते हैं कि वो बुक नहीं पढ़ रहा है, ये वाला बुक नहीं पढ़ रहा है, मैथ वाला बुक वो नहीं पढ़ रहा है, ओके, तो तब आप यहाँ पे आप दा लगाओगे, ठीक है, यानी कि उस बुक के बारे में आप जानते हो, निश्चित हो, डेफिनेट हो, तब दा आर्टिकल आप लगा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आप आर्टिकल में मैं जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ओके, ये आर्टिकल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, फिफ्थ हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस। ओके, तो यहां पर मारो हेडिंग, हेडिंग मारिए डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, पांचवा डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस। ओके, जैसे मैं डब्ल्यू एच वर्ड में क्या आता है, वर्ड मतलब क्या होता है, क्या, हाउ मतलब कैसे, ओके, डब्ल्यू एच ओ हु मतलब कौन, ओके, और भी आते हैं व्हेन, डब्ल्यू एच एन व्हेन मतलब कब, और क्या आता है भाई, और आता है वाई, वाई मतलब क्यों, और भी आता है जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, इस सारे वर्ड जो है डब्ल्यू एच वर्ड में आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड कहलाता है, ठीक है, यानी कि सभी में वर्ड में देखिए डब्ल्यू एच कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सेंटेंस किस प्रकार का होता है वो हम देखेंगे और यहाँ पे इसे हम समझेंगे स्ट्रक्चर, पहले इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, एस टी आर यू सी टी यू आर ई, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ठीक है। पहले इसमें क्या होगा, पहले आपका डब्ल्यू एच वर्ड आएगा,
डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा डू या डज, डू या डज आएगा, ओके। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, ओके। फिर आपका आएगा भाग का फर्स्ट फॉर्म, भाग का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ओके। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, और फिर लास्ट में क्या लगेगा इसका, प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके आप हम समझते हैं। पहला एग्जांपल, वह कब पढ़ता है, वह, देखिए राइटिंग नहीं बैठता यार, कोशिश कर रहे हैं बार बार, वह कब पढ़ता है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बोल रहा है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड क्या हो गया, कब, कब का क्या होता है व्हेन, कब का क्या होता है व्हेन, तो व्हेन हो गया। उसका बोल रहा है डू या डज का प्रयोग करो, तो डू या डज का प्रयोग कैसे हम लोग तय करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, यानी कि ही सी इट या सिंगुलर नाउन है, तो डज का यूज करेंगे, अन्यथा इसके अलावा कोई और हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग डू का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट देखना है कि वह है, वह, वह का, वह जो है हमारा क्या है, ही होता है या सी होता है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन डज, उसका आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया ही, सी रहता है जब वह कब पढ़ती है तो सी लगाते हैं, लेकिन वह कब पढ़ता है इससे मेल है तो ही लगेगा, ठीक है। व्हेन डज ही, पढ़ना क्या होता है रीड, आर ई ए डी रीड, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह उसे क्यों पीटता है, वह उसे क्यों पीटता है, बनाइए इसे, आप बनाइए। पहले बोल रहा है स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करो, तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या हो गया, क्यों, क्यों का क्या होता है वाई, डब्ल्यू एच वाई वाई। उसके बाद होता है डू या डज का प्रयोग बोल रहा करने के लिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, वह का क्या हो, वह हमारा क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, तो इसे सब क्या करेंगे यूज, डज यूज करेंगे, तो वाई डज, सब्जेक्ट हमारा ही होगा सी होगा, तो अगर वह उसे क्यों नहीं पीटती है, वह उसे क्यों पीटती है रहता तो सी लगता है, इससे पता चला कि वह उसे क्यों पीटता है ये मेल है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ही यूज करेंगे, वाई डज ही। उसका भर का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हो गया तो भर का फर्स्ट फॉर्म, पीटना का बीट होता है तो बीट, उसका उसे का ही होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है तो ही का थीम हो जाएगा, ठीक है, ही का थीम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम विद्यालय क्यों, राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों जाता है, ठीक है, बताइए। पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है हमारा, क्यों, क्यों का क्या होता है वाई, वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डू या डज का प्रयोग करने के लिए, तो राम हमारा क्या है सिंगुलर नाउन है ना, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ये आ रहा है, तो डज का यूज करेंगे, तो डज, उसके बाद राम सब्जेक्ट, हम उसका सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद भर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का गो होता है तो गो, और टू मार्केट, गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल लास्ट देख लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं उसे कब पढ़ाता हूँ, मैं उसे कब पढ़ाता हूँ, बताइए। मैं का क्या होता है, सॉरी मैं का नहीं, पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लेने के लिए, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कब, कब का क्या होता है व्हेन, तो व्हेन हो गया डब्ल्यू एच ई एन व्हेन। उसका बोल रहा है आपको डू या डज का प्रयोग करने के लिए, तो हमारा सब्जेक्ट मैं क्या है, मैं हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है ना, तो आई होता है, तो आई के साथ डू का यूज करते हैं, तो व्हेन डू आई, सब्जेक्ट हो गया, फिर भर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना क्या होता है रीड, तो रीड हो गया, ठीक है। और उसे का ही होता है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा तो हीम हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ओके। इसे आपका थोड़ा सा डाउट होगा, उम्मीद है आपके माइंड में डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे में लिखते हैं, राधा और सीता, राधा और सीता
क्यों क्रिकेट खेलती है? तो राधा और सीता क्यों क्रिकेट खेलती है? क्यों क्रिकेट खेलती है बताइए, क्वेश्चन मार्क बताइए इसका क्या होगा। राधा और सीता क्रिकेट क्यों खेलती है? क्रिकेट क्यों खेलती है? बनाओ, इसे बनाओ। तो आप, मैं इंक यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिल कर लेता हूँ, इंक इसका खत्म हो गया, ठीक है। बनाओ, पहले क्या बोल रहा है हमारा स्ट्रक्चर? डब्ल्यू एच वर्ड यूज करने के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या दिया हुआ है? क्यों, क्यों का क्या होता है? वाई, तो लगा दो वाई, क्या करो वाई लगा दो, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, वाई लगा देते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच वाई, डब्ल्यू यार चल क्यों नहीं रहा, वाई लग गया। उसका डू या डज का यूज करना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राधा और सीता, ये दोनों हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है ना, तो इसके साथ डू का यूज करते हैं, तो डू का यूज करेंगे, तो डू एक से अधिक है ना नाम, तो प्लुरल हो गया ना, तो सब्जेक्ट हमारा प्लुरल होने पर डू का यूज करते हैं ना। तो वाई डू राधा एंड सीता, ओके, राधा और सीता कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुआ क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए, वाई डू राधा एंड सीता, उसके बाद आप क्या लगाओगे सब्जेक्ट के बाद? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना क्या होता है? प्ले, उसका क्रिकेट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए, ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस था, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ डब्ल्यू एच वर्ड के साथ क्या रहता है? निगेटिव लगा हो रहता है। क्या लगा हो रहता है? निगेटिव लगा हो रहता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस प्लस डब्ल्यू एच वर्ड के साथ प्लस निगेटिव सेंटेंस, ओके, आप इसे देखिएगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। पहले क्या आता था? डब्ल्यू एच वर्ड आता था, ठीक है। फिर क्या आता था? डू या डज आता था, डू या डज आता था। फिर हमारा क्या आता था भाई? सब्जेक्ट आता था, यही आता था ना। फिर इसमें नोट लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है, खाली नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका लास्ट में अदर वर्ड, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका हो गया, क्लियर दिख रहा है ना आपको? क्लियर है? यस, गॉट इट, क्लियर है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, वह उसे क्यों नहीं पढ़ाती है? वह उसे क्यों नहीं पढ़ाती है, बताइए कैसे बनेगा? तो आइए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड का यूज पहले करेंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है? क्यों, क्यों क्या क्या होता है? वाई, उसका डू या डज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट वह, वह हमारा है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है, ओके। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज करते हैं, तो डज पढ़ाती है, यानी कि वो लड़की है, फीमेल है, तो सी का यूज करेंगे। वाई डज, अगर वो यहाँ पर रहता वह उसे क्यों नहीं पढ़ाता है, तो ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की है, तो यहाँ पर सी का यूज करेंगे। वाई डज सी नोट, देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया, फिर भारत का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का टीच होता है, तो टी ई एस सी एच, टीच होता है पढ़ाना का, ठीक है, पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच होता है, टी ई एस सी एच, टीच। तो वाई डज सी नोट टीच, उसे का क्या होता है? उसे का ही होता है, तो ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज यहाँ पर आपको हो रहे होंगे कि यहाँ पे उसे का सी भी तो होता है, तो सी का हर तो यहाँ पे हो सकता था ना, तो अगर यहाँ पे हर कर दोगे ना, तो ये भी आपका सही रहेगा, हर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि जिसको नहीं पढ़ाती है वो लड़का है या लड़की है, ओके। वह उसे क्यों नहीं पढ़ाती है, इससे पता चल रहा है कि वो क्या है आपका, उसे उसे यहाँ पर ही भी होता है, सी भी होता है, तो यहाँ पे हर भी लगा दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूं, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करने, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों क्या क्या होता है, वाई, डब्ल्यू एच वाई वाई, उसका डू या डज का यूज करना है, तो मैं के साथ क्या यूज करेगा, आई, आई के साथ डू या डज, डू का यूज करते हैं ना, तो डू उसका आई, उसके बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, ओके, उसका घर का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो घर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जाना का गो होता है, तो गो हो गया, फिर प्लस उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार, तो गो टू मार्केट, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है, एक यहाँ मैं आपको दे देता हूँ, खुद से बनाना, ठीक है, और कमेंट में बताना क्या बनेगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मोहन रोहन को क्यों पीटता है, इसका हमें बना करके कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि इसका सेंटेंस क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप काम करो और इसका आप यहाँ पे क्या करो, उत्तर दो, आंसर इसका बताओ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल ही अच्छे से अस्थिर से मैंने समझाया है आपको, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना आप, मैं जो बता रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैंडराइटिंग से आपको क्या मतलब है, इतनी भी गंदी मेरी हैंडराइटिंग नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ओके, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नाम से भी जानते हैं, ओके, तो इस प्रकार हमारा लेक्चर 12 लेक्चर चलेगा टेंस का, ठीक है, तो आप हर एक लेक्चर कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको देखना है अच्छे से, और आप मास्टरमाइंड बन जाओगे इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, सो बाय बाय, ओके, थैंक यू।